गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? हम सब गुड हैं। मैं और अरमान बैठे थे, जब भी मैं पाठ करती हूँ सुबह तो अरमान ऐसे मेरी गोदी में बैठ जाता है, इसको आदत है। पर मैं सोचती सुबह सुबह पाठ कर लूँ, सारा दिन मन शांत रहता है, कोई बुरे ख्याल नहीं आते, अच्छे से दिन बीत जाता है। वाहेगुरु ऐसी कृपा बनाए रखे आप सब पर। थोड़ा थोड़ा टाइम जरूर निकाला कीजिए फ्रेंड्स, अब मन की शांति के लिए पाठ करना जरूरी है। देखना अरमान, दोपहर के बज गए 12 और हम लोगों ने काम कर लिया खत्म। अलीजा भी, इनके स्कूल का आज हाफ डे है, वो आ जाएंगी। कहती थी मम्मा आज हमने कुछ और खाना है, तो मैंने उनके लिए पिज्जा लिया है, आज मैं पिज्जा बनाऊंगी, ओवन में रख देते बन जाएगा, अरमान भी खा लेगा। अरमान आप भी बोलो हाय, बाबा जी को रखे आओ है, आप हाय बोलो सबको, बहुत हो गया। उधर देखो, उधर देखो कौन आ गया, अरमान देखो, सत श्री अकाल बोलो सबको, दोनों हाथ जोड़ कर ऐसे ऐसे बोलो, देखो बिल्ली बाद में देखना। अरमान देखो, सत श्री अकाल, नमस्कार, कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। अरमान बिजी हो गया? अरमान चलो, अरमान अब खेलेगा और मम्मा करेगी काम। मौसम ठीक है, 20 डिग्री हो गया है। मैं सोचती हूँ कि अभी सारा सामान संभाल दूँ बाहर वाला, अब ठंड आ जाएगी तो बाहर तो कम ही जाएंगे, देखते हैं क्या करते हैं। दो तीन काम पड़े आज, वो करेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को, हैप्पी सिंह फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें। चलो चले अरमान, दीदियाँ आ जाएंगी फिर, उनको भूख लगी होगी, आप इधर बैठ जाओ। मम्मा जाए, अरमान को लगी भूख, मेरा हाथ पकड़ के लेके आया, मैंने इधर रख दिया अरमान के लिए फ्राइज, वो पिज्जा नहीं खाता। अलीजा अवलीन के लिए, लाइट क्यों नहीं चल रही, अलीजा अवलीन के लिए पिज्जे रख दिए मैंने, बन रहे हैं। 5 मिनट बाद उनकी छुट्टी हो जाएगी, 12:08 हो गए हैं, 12:15 पे छुट्टी हो जाती है उनकी। 1, 2, 3, 4, 5 कितने तक गिनेगा अरमान? उतने में आपके फ्राइज बन जाएंगे। हम लोग दीदियों को देखने जाएंगे, ठीक है? आज कितने बजे आती हैं दीदियाँ? अलीजा अवलीन के आने से पहले मैं प्लेट्स लगा देती हूँ, फिर आते ही वो हाथ धोकर सीधा बैठ जाएंगी खाने के लिए। साहब भी आ जाएंगे, उनकी प्लेट भी रख देती हूँ। पापा की प्लेट भी रख दी अरमान, सॉस भी रख दी है, ये मेरी देसी चटनी, ये भी हम लोग खाएंगे। हो गया, अभी रह गए हैं ग्लास जूस के लिए, लीजा अवलीन का, अरमान बाबा का, अरमान मेरे साथ ही खा लेता। अभी रह गया साहब का बड़ा सा ग्लास, तो उनका भी रख देते हैं। और हमारा जीरो वाला कोला, नो शुगर पिज्जा हो गया रेडी। अभी हम निकालते हैं पिज्जा, डन है ना? हाँ डन हो गया ना? हाँ डन है, निकाल के रख दो, काट के थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, है ना? साहब आ गए हैं तो अभी ये निकाल देंगे, मैंने रख दिया। सॉफ्ट सॉफ्ट है पिज्जा डो, जैसे नान का नहीं होता साहब। मैंने बनाया मास्टर शेफ इंडिया के, थैंक यू। बना के तो दिखाओ किसी दिन। बना देगा हैं? बहुत देखा देखा आता है पिज्जा बनाना, आज खवाते हैं पिज्जा आपको गाइस। ये देख के मुंह बनाता है, नहीं खाएगा। और मां को पता नहीं पिज्जा क्यों नहीं पसंद। फ्राइज भी आ गए हैं, बंद करते हैं तो फिर निकालते हैं। चल गया, एक मिनट भी नहीं रह गया, 3 मिनट रह गए बस। अरमान से वेट नहीं हो रहा तो पहले मैं अरमान को खिला देती हूँ, ट्राई करती हूँ खाएगा कि नहीं, वैसे तो नहीं खाता, फ्राइज ठंडे होंगे फिर ही दूंगी इसको। मेरे को होता है कि पहले अरमान खा ले,
आई होप पसंद आ जाए आज, इसको बाद में मैं खा लूंगी, मेरा तो कोई नहीं। जो साइडो साइडो में होता है लोग छोड़ देते हैं, मेरे को यही स्वाद लगता है। ये सभी छोड़ देंगे साइडो वाला, मेरे को यही अच्छा लगता है। अरमान स्वाद है, यम्मी है, लस्सी है ना, जैसे नान बना ना, वेरी गुड। नान तो बहुत टेस्टी बना, इतने दिनों बाद खाए थे ना, गर्मियों में बनाया करेंगे ना। अभी बारिश होती है तो फिर आग नहीं जला पाते। हाय गाइस, नवलीन और मैं खा रही हूँ डिनर, लंच और मैंने स्कूल पर ब्रेड बेक करा मेरे मैम के साथ और बहुत स्वाद सा बहुत बोला था बीच में और सब खा रहे थे, सबकी दाल माच के कहते बहुत मीठा ब्रेड बनाया था कि नॉर्मल बेटा, नॉर्मल नॉर्मल। बड़ी भी बैठी है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अलीजा, अभी मैं खा रही हूँ पिज्जा। गैस निकल चुकी, मेरे को डालो, मैं आप भी खा लो, आप भी खा लो। बच्चों ने खा लिया और लगे हैं खेलने। मैंने सोचा चलो सूट ही काट लो फ्रेंड्स, जो मैं ये लेके आई थी ना कपड़ा जॉर्जेट का, तो इससे मैं आज फ्रॉक काटती हूँ। मैंने कहा ऐसे पड़ा रहेगा तो साल भर ऐसे निकल जाएगा, मैंने कहा आज काट ही लूँ, पहन लेंगे इसको। इससे मैं बनाऊंगी अनारकली छोटी सलवार के साथ, ज़्यादा लंबी नहीं रखूंगी, लेंथ कम रखूंगी इसकी। तो पहले इसको काटते हैं और वो मैंने साइज रखा मेरा ये सूट का, इसको नाप कर बना लेंगे। तो अभी हम काटते हैं इसको, फिर एक अलीजा का कमीज बनाना नानी मम्मा के साथ लेकर आई थी, वो भी आज काट दूंगी ये वाला। मेरे पास क्रीम कलर का प्लाजो है तो पहन लेगी, कॉटन है, बच्चों को अच्छा लगता है, उन्होंने अपने पसंद का लिया था। और जो पिंक वाला है उसके साथ मेरे पास लेस नहीं है, अभी कोई इंडिया जाएगा या मम्मा को बोलूँगी कि वाइट कलर की ना लेस भेज दो अलीजा अवलीन के लिए, तो फिर लगा कर उनके सूट बनाऊँगी। बहुत हैवी अवली ने जिद करके ले लिया, अब पता नहीं कैसे बनेगा। ये भी बनाना है, सोचती हूँ बनाकर फिर मशीन उठा दूँ, सर्दियाँ आ जाएंगी तो दिन छोटे हो जाएंगे, घर का काम ही मुश्किल से ख़त्म होगा। तो चलो आज इनको काटते हैं, पहले मेरा सूट काटते हैं फिर अलीजा का, पहले मैं नापती हूँ कितना फिर उसको काट दूँगी, काट के फिर बनाते हैं। मेरी आदत है फ्रेंड नीचे बैठकर काटने की, वैसे तो मेरे को मेरा साइज पता है पर मैं फिर भी देखती हूँ कि कितनी चौड़ाई की कलियाँ काटी हैं, उतनी काट लूँगी। ऊपर से कितने इंच है, नीचे से कितने हैं, फ्लावर सीधे जा रहे हैं, सब चीज़ देखनी पड़ती है ना सूट काटने से पहले। ये है तीन और नीचे से कितनी है पता चल जाएगा, नीचे से है नौ, दस और चार काटते हैं बस, और लंबी लंबाई देख लेते हैं फ्रॉक की लंबाई कितनी है। थोड़ी देर मैं अरमान के साथ गई बाहर उसको प्लेग्राउंड लेकर, और अभी वो खेल रहे हैं तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से काट दूँ। पहले हम लाइनिंग काटेंगे, निशान लगा देते हैं, सभी का निशान लगाने के बाद कर देंगे कटाई। मन कर ही आता कपड़े सीने का फ्रेंड्स, अभी मम्मा तो बिल्कुल नहीं सीते और दीदी भी बहुत अच्छे सी लेते हैं पर वो भी नहीं सीते, कहती मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। ऐसे करते हैं वो दोनों, मेरी आदत है, मेरा बहुत मन करता है कि मैं सिलाई करूं,
कुछ अपने हाथ से सीख कर डालो। यहाँ पर काट रहे सलवार। यार माँ अरमान को बीच में आना ही आना है अरमान। देखिए फ्रेंड्स, अरमान ने मेरा सूट काट दिया सारा। मम्मा का काम खत्म, अरमान का काम शुरू। बाप रे बाप, पहले तो पानी मांगा, फिर सारा अपनी पैंट पे गिराया, अब ऐसे लगता कि सुसु कर लिया हैं, और मेरे सूट पे सोने का मजा कुछ और ही है। प्लीज बेटा काटने दो, सलवार मैंने काट ली, ऊपर वाला हिस्सा काट लिया, बस कलियां काटनी है, पर वो इतने तरीके से कटिंग है, एक तो कपड़ा सिल्की है और ऊपर से अरमान अब काटने नहीं दे रहा। मेरे को लगता है फिर ए फ्रॉक ही बनानी पड़ेगी, कपड़ा बहुत सिल्की है देखना, इसको सीधे निशान। अरमान मेरे को फट्टी नहीं देता, या मेरे को कैंची दूर रखनी पड़ती है, या ये ले देता है इनकी टेप, अब क्या करूं। अरमान दे दो ना प्लीज। ये क्या हो रहा है, मम्मा का बदला ले रहे हो? चलो भाई इस्माइल कहता मेरा है, आपका पिकबू। अरमान इधर देखो, सूट तो मैंने आधा ही काटा है, आधा मैंने कहा फिर करूंगी। अरमान आ गया बीच में, चाय पीकर थोड़ी देर बैठ गई, तो अभी मैं बनाऊंगी मिक्स दाल। मिक्स दाल को मैंने कल रात को भिगोया था फ्रेंड्स, देखिए कितनी अच्छी फूल गई है ना, बहुत अच्छी हो गई। अब इसको धोकर इसको चढ़ा देते हैं। मैंने कहा बच्चों को आपने बहुत खा लिए पीजे वीजे, तो अभी दाल रोटी बनाऊंगी आज। मिक्स दाल सभी को पसंद है, तो मैंने कहा चलो दाल बना देते हैं। मैंने कुकर में पानी चढ़ा दिया, अभी हम धीरे धीरे करके दाल डाल देते हैं। अब जल्दी बन जाएगा, अगर रात को भिगो दे ना, इसको 10-12 घंटे भिगोनी पड़ती है। मैंने कल रात से भिगोई है, क्योंकि उसमें राजमा भी हैं, चने भी हैं, ब्लैक चने, तो टाइम तो लगता है सोखने में। अब अच्छे से फूल गई है, इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच घी, इतना सा, और डालेंगे 1 बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी, और डालते हैं नमक। नमक डाल देते हैं और हल्दी पाउडर, बाद में मैं तड़का लगा दूंगी, इसको बंद करके ना पका हिला देते हैं अच्छे से। और अभी हम कुकर को कर देते हैं बंद, ढककर लगा देते ताला। Do you love me? No. दीदी है बेटा, दीदी रो रही है ना। आ देखना अलीजा, आपका वो कराटे का यूनिफॉर्म गिर गया बेटा, ये बेल्ट है उसका। दोनों खेलते हैं बाहर। मुझे प्यार नहीं करता। और मान सभी को प्यार करता, ऐसे करता, अपनी मतलब ही है थोड़ा सा। नो डू यू लव मी रियली रियली मच? नो। मैंने कहा चलो थोड़ी देर इनके पास बैठती, दोनों के खेलते हैं। अलीजा अपना होमवर्क बना रही है ऊपर, और मौसम ठीक है फ्रेंड्स,
ऐसे लगता है कि सर्दियां आ गई। पहले हमारे गार्डन में धूप आ जाती थी और अब गर्मी तो है पर धूप नहीं आती हमारे गार्डन में सारा दिन, और लगता है कि सर्दियां शुरू हो गई हैं, दिवाली आने वाली है, त्योहारों का मौसम आ रहा है। महसूस होता है ना जैसे मीठी मीठी सर्दी। No. No. Really, really hate hockey. No. हॉकी खेलता अरमान इतना अच्छे से खेलता है। अलीजा अवलीना आपको पता? हाँ बहुत अच्छे। हाँ हम लोग वहाँ गए ना प्लेग्राउंड, तो उनकी लड़की खेल रही थी, उन्होंने अरमान को हॉकी दे दी, कहते आप खेलो, वैसे ही अरमान भी खेलने लगा। मैंने साहब को कहा था थोड़ा सा गार्डन साफ करवा दो, ये जो सामने ना गुलाब वाला प्लांट, ये इस बार हुआ ही नहीं, पता नहीं क्यों खराब हो गया। तो मैंने कहा इसको ना निकाल देते हैं, हम मिट्टी भी निकाल देंगे और अगले साल कुछ नया लगाएंगे। पता नहीं मैंने इसमें खाद भी डाली, जो बढ़ाने वाली दवाई होती है ना वो भी डाली एक्स्ट्रा, फिर भी नहीं हुआ, खराब ही हो गया लगता है। और जैसे ही मैं सफाई करती हूँ और मान आके फिर से वैसे ही कर देता है, तो फिर मैं कहती हूँ खेल ले थोड़े दिन और, अभी गर्मी है ना, तो बाद में मैं सारा सामान उठा दूंगी, उनके उसके खिलौने भी अंदर रख लेंगे, कुछ स्टोर रूम में रख देंगे, अगर ज़्यादा ठंड होती है ना तो फिर बाहर नहीं आते, मेरा भी मन नहीं करता बाहर निकलने का। तो दाल बन रही है और मैं जाकर तड़के की तैयारी करती हूँ। अभी हम लगाएंगे दाल को तड़का, मैंने घी और तेल डाल दिया मिक्स करके, ऑलिव ऑयल, और अभी हम डाल देंगे जीरा दाल में, और उसके बाद डालेंगे लहसुन और अदरक, मैंने चॉपिंग कर लिया इसको, छोटा छोटा चॉप किया है, और अभी हम डाल देंगे। अभी हम डाल देंगे अनियन, अभी हम डालेंगे टमाटो, इसको भी पकाते हैं, तड़का बन जाएगा, बस इसमें मिला देंगे मसाले और क्या, ये बन जाएगी दाल मखनी। कहते थे दाल मखनी खानी, ऊपर से मखनी डाल दूंगी, बटर डाल दूंगी, दाल बन गई। उतनी देर मैं बनाती हूँ आटा, बस ये बन जाए। अलीजा अवली ने आज कराटे पर जाना, दोनों ने तो खेलने गई है बाहर, नई फ्रेंड बनाई है पड़ोसियों की लड़की छोटी सी, उसके साथ सारा दिन खेलती है, जब से स्कूल से आती है बोलती वो कब आएगी कब आएगी, उसके साथ खेल रही है। तड़का बन गया और अभी डाल देते हैं लाल मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और इसको हिला देते हैं अच्छे से, दो तीन मिनट पकाएंगे और फिर मिक्स कर देंगे दाल में। दाल को खोल कर देखते हैं कैसे बनी है। दाल हमारी बन गई है, सॉफ्ट हो गई है, हाँ सॉफ्ट होगी बिल्कुल। ये हम लोगों ने ना घर पे ही बना के रखी थी, पांच छह दालें मिक्स की थी, मिक्स दाल बोल सकते हैं, दाल मखनी में तो एक दो ही दालें होती हैं फ्रेंड, और मैंने तो सारी दालें मिक्स कर दी, राजमा चने। अभी हम डाल देंगे तड़का, और जो बच गया उसको ऐसे दाल डाल कर ना अच्छे से वो भी उतार देंगे, स्वाद स्वाद तो नीचे रह गया। धीरे धीरे हिला देंगे और अभी हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया, कर देते हैं मिक्स। दाल हो गई है रेडी और अभी मैं बनाती हूँ चपातियाँ, फिर दूंगी अरमान को, साहब को, लीजा अवलीन थोड़ा लेट खाएंगे,
साहब देखेंगे अब स्वाद है कि नहीं खाकर। मेरा चम्मच भी ले गए, रोटियां बन गई हैं। ये है हमारी थाली फ्रेंड्स, और अभी हम लोग करते हैं डिनर। शाम के बज गए हैं 6:30 और अलीजा अवलीन हो रही है रेडी, जाएंगी कराटे क्लास में। मैं और मन करेंगे रेस्ट, थक गई हूँ, काम खत्म हो गया, अब मन करता है कि बैठ जाऊँ। और मन मेरे साथ बैठा रहता है, टीवी देखता रहता है, और मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी। 8 बजे लीजा अवलीन आएंगी वापस, और उसके बाद जाएंगी सोने, क्योंकि कल इनका स्कूल है। फ्रेंड्स मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय लीजा अवलीन। ओह पापा के मारा, बाय बाय बोलो। Bye.